So we continue further. Yesterday we completed with the post-fertilization first change, that is the zygote undergoes a dormant phase, and a second change, that is the endosperm is formed. हाँ जी, ये हमने पढ़ लिया कल. किसी को डाउट है zygote कैसे डॉर्मेंट फेज में गया और क्यों गया? किसी को डाउट है कैसे पेन से एंडोस्पर्म बना? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब आगे क्या है हम लोग पढ़ रहा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है. तो दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज. पोस्ट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्री मीन्स बिफोर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, क्लियर. नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन में देयर इज, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर इज, फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्स्ट चेंज हमने कल क्या किया था, जायगोट इज फॉर्म्ड, है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, एंड द जायगोट एंटर्स अ डॉर्मेंट फेज. तो सबसे पहला चेंज क्या आ गया, जायगोट एंटर्स अ डॉर्मेंट और अ रेस्टिंग phase. Why it enters a resting phase or a dormant phase? That is because it requires certain nourishment, and that nourishment will be provided by the endosperm layer. So second change yahi aaya. Second change kya aaya? That the endosperm is also, endosperm is produced. Hai na? Endosperm ek puri layer ka naam hai. Jo aapne kal kiya tha, PEN, wo ek nucleus ka naam tha. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो एक सिंगल सेल था. अब ये एंडोस्पर्म पूरा लेयर है. ठीक है, मल्टीपल सेल्स है इसमें, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द सेल्स. ठीक है, सो दैट इज एंडोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड, सेकेंड चेंज आया. आफ्टर दिस एंडोस्पर्म बन गया. अब जो जायगोट है ये डॉर्मेंट फेज में तो चला गया, लेकिन उसके बाद जब भी इसको नरिशमेंट मिली तो इसने एम्ब्रियो भी बनाना है. एम्ब्रियो बनाएगा ना, सो जायगोट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्ब्रियो. अब जायगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स फॉर्मिंग एम्ब्रियो. क्या बना रहा है अभी ये, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज अ फ्यूचर प्लांट. एम्ब्रियो क्या है, दैट इज अ फ्यूचर प्लांट. डॉर्मेंट इज अ रेस्टिंग फेज. रेस्टिंग मतलब ये इनएक्टिव हो जाएगा फॉर द सर्टन टाइम. जायगोट क्या है, अपनी एक्टिविटीज सस्पेंड कर देता है, एज अ सिंगल सेल रहेगा, और जब तक पूरा एंडोस्पर्म का लेयर नहीं बन जाता तब तक के लिए ये इनएक्टिव है. ठीक है, सो इसलिए ये रेस्टिंग फेज पे चला जाता है, इट अंडरगोज अ रेस्ट, रेस्ट पीरियड. ठीक है, जब इसकी नरिशमेंट मिली एंडोस्पर्म से, अब ये वापस एक्टिव हो गए. देखो हो गया ना, अभी मैंने लिखा पहले जायगोट डॉर्मेंट फेज में चला गया था, सेकेंडली एंडोस्पर्म तैयार हो गया, अब एंडोस्पर्म नरिशमेंट दे रहा है जायगोट. ठीक है, उसके बाद जायगोट जो है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड करेगा, फॉर्मिंग द न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो इज अ फ्यूचर प्लांट. ठीक है, पूरा नवा प्लांट जो बनना है वो कहाँ से बनना है, एम्ब्रियो से बनना है. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जब एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर. आप लोगों ने पी प्लांट देखा है, पी में मटर देखे हैं आपने सबने, है ना. अगर हम पी का वो जो राउंड शेप्ड उसका सीड होता है उसके ऊपर से पील निकालेंगे, आप घर जाओगे आज तो करके देखना इसको, उसके ऊपर से पील निकालना, उसके अंदर दो स्प्लिट्स होंगे ग्रीन कलर के. ठीक है, दे आर द टू कॉटिलिडन्स, और उसके अंदर एक छोटा सा वाइट कलर का ना वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा, वेरी स्मॉल, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो. दैट एम्ब्रियो हैज द फ्यूचर प्लांट्स पार्ट्स. ठीक है, जो पूरा प्लांट बनना है उसके पार्ट्स इस एम्ब्रियो के अंदर. समझ आया? तो ये क्या है, दिस इज अ सीड, दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ सीड. अब इनिशियली जब तक फ्लावर था, फ्लावर वाला स्ट्रक्चर माइंड में लेके आओ, फ्लावर वाला स्ट्रक्चर आपने पढ़ा. ठीक है, ओवरी के अंदर हमने पढ़े थे ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से ओव्यूल्स बनाए थे, रिमेम्बर. द ओव्यूल्स वर देयर विद इन अ फ्लावर, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोज ओव्यूल्स विल बी राइपनिंग एंड फॉर्मिंग द फर्दर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज सीड. ठीक है, तो नेक्स्ट चेंज क्या आता है, दैट इज द ओव्यूल्स राइपन्स फॉर्मिंग द सीड. Ovules ripens forming the seed. Ovules से बन जाएंगी seed. अगर ovules ने seed बना दिए, अगर ovules ने seed बना दिए तो ovule किसके अंदर present था, ovary के अंदर. ovary क्या बनाएगी after ripening, fruit. seed किसके अंदर होता है, fruit के अंदर. तो ovaries क्या बनाएंगी, ovary ripens forming the
फ्रूट, ओवरी से क्या बन गया फ्रूट, आफ्टर राइपनिंग फ्रूट बना है ओवरी से, सीड बना है ओव्यूल से, गेटिंग। अब अगर आप फ्लावर के अंदर के ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर की बात करो या सीड्स की बात करो, ठीक है, कंपेयर द स्ट्रक्चरल साइज एंड ऑल्सो कंपेयर द साइज ऑफ द ओवरी एंड द फ्रूट दैट यू ईट। ओवरी इज वेरी स्मॉल साइज, हार्डली अ नेल साइज, नेल से भी क्वार्टर साइज या हाफ साइज, है ना, तो इतनी छोटी ओवरी होती है फ्लावर के अंदर। लेकिन जब आप फ्रूट कंज्यूम करते हो तो दैट हैज अ प्रॉपर बिग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फ्रूट का इतना बड़ा स्ट्रक्चर मींस उसको अपने फ्लावर पे अपनी जगह चाहिए है उस बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। वो क्या करता है, जो थैलेमस है उसी के ऊपर बाकी फ्लोरल पार्ट्स को शेड ऑफ करना शुरू कर देता है, उनको फेंक देगा, डिस्कार्ड करवा देगा, ठीक है। सो दैट इज द लास्ट चेंज, क्योंकि इसको जगह चाहिए है फ्रूट को बनने के लिए। सो शेडिंग ऑफ द अदर फ्लोरल वर्ल्ड्स मीन्स वॉट, जो दूसरे फ्लोरल पार्ट हैं वो सारे शेड ऑफ हो जाए। फ्रूट बनता कैसे, नहीं हमने सिंपल ये किया कि बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता, हाँ फ्रूट सीड तक का, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, फ्रूट का डिस्पर्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद सीड्स डिस्पर्स होते हैं, सीड्स ने आगे नवा प्लांट बना दिया, तो लाइफ साइकिल दोबारा फिर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम द फ्लावर टू द सीड फॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, समझ आ गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? दिस फोर्थ इज ओव्यूल्स राइपन फॉर्मिंग द सीड, ओव्यूल्स राइपन फॉर्मिंग द सीड, हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये सारे चेंजेस हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, डन। अब यहाँ पे एक हमने स्ट्रक्चर किया दैट इज सीड, सीड के बिहाफ पे भी आपको आगे फर्दर टाइप ऑफ सीड है, दैट इज द सीड इफ क्लासिफाइड एज विद अ सिंगल कॉटिलेडन और द डबल कॉटिलेडन, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, फर्दर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, डिस्कसिंग द सीड, व्हाट आर द सीड इज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड इज। The seeds can be classified on the basis of different criteria. One criteria is the seeds are classified on the basis of number of cotyledons. Cotyledons कितनी है seed के अंदर, उसके हिसाब से seeds को classification दिया है. They have been classified depending upon the number of cotyledons. Getting? Are you getting? Are you writing? Write it down. Seeds are classified on the basis of last point, shedding off of the other floral buds. Shedding off मतलब जो उसके आसपास, जैसे ओवरी है, ओवरी से बाहर क्या था, ओवरी से बाहर क्या था, stamens, फ्लावर स्ट्रक्चर याद है, ओवरी सबसे अंदर, उसके बाहर क्या था, stamens के बाहर पेटल्स के बाहर सेपल्स, तो ये सारी चीजें क्या है, शेड ऑफ होनी शुरू हो जाती है, अपने आप ही झड़ जाती हैं, ठीक है। सो दैट इज शेडिंग ऑफ द अदर फ्लोरल वर्ल्ड्स, गेटिंग, ठीक है। सीड को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कॉटिलेडन्स, हाउ मेनी कॉटिलेडन्स इट हैज, इफ इट हैज अ सिंगल कॉटिलेडन इन द स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज अ मोनोकॉट सीड, मोनो मीन्स सिंगल, हैविंग अ सिंगल कॉटिलेडन, वन कॉटिलेडन, अगर इसके अंदर सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है तो हम ऐसे सीड्स को बोलेंगे मोनोकॉट्स, ओके। द सीड्स और द प्लांट्स बेयरिंग सच सीड्स दे आर कॉल्ड एज मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। इफ देयर आर टू कॉटिलेडन्स, अगर दो, डाई मीन्स टू, ठीक है, अगर दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है देन वी कॉल इट एज द डाई कॉटिलेडन। The plant is also called as a dicotyledonous plant, or the seed is a dicot seed. Getting? Okay. So depending upon the number of the cotyledons, it can be a monocot seed or a dicot seed. Now, if we go through the structure of this, अगर हम इसके structure की बात करें, so what the structure is for a seed? Anji, what is the structure of the seed now? The structure of the seed, basically the seed consists of the two major parts. Do major parts hai uske andar. Ek to hai embryo,
विच इज अ फ्यूचर प्लांट, एंड दूसरे हैं उसके अंदर कॉटिलेडन्स, जिन्होंने नरिशमेंट देना है उस फ्यूचर प्लांट को, यानी एम्ब्रियो को. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका सीड का स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. Structure of seed. The structure of seed comprises of first is the embryo, embryo and second is the cotyledons. ठीक है, तो embryo जो present है, embryo is present all along the embryonal axis. ठीक है, एक axis है जिसके साथ साथ इसके various parts जो हैं, they will be organized. So this embryo has a tip towards the upper side, right? There is a tip towards the upper side. Okay, there is also a tipped or a pointed portion towards the downside. ठीक है, of this embryonal axis, axis के along ये axis बनाना है आपने. There is for the embryo, this is a generalized structure which I am showing it to you. This is for the embryo. It has a pointed end towards the upper side as well as towards the bottom, towards the below side. ठीक है. Downside, right? Towards its upper side, it has a specialized area of the cells which acts as the plumule. Plumule is what? That is a future shoot. ठीक है, ये labeling मैं अभी करवाती हूँ आपको. Similarly, there is a extra specialized set of cells which are present towards the tip of the lower surface, pointed end. ठीक है. This is the specialized cells which are called as radical, and they will be making the future root. ठीक है, एक plant grow करता है seed में से, हमेशा उसका shoot system upper side होता है और root system lower side होता है. ऐसे ही ये differentiate किया है nature ने, हमेशा embryo का जो plumule है वो उसकी tip की तरफ होगा और base की तरफ present होगा radical. ठीक है, अब इसको जब label करोगे तो थोड़ा दूर जाके करना, क्योंकि यहाँ भी cotyledons बननी है. So this is what? This is a plumule. This is a plumule. Okay. Then there is a radical. Labeling थोड़ी दूर करना. हाँ जी. Plumule is called as a future shoot. Future shoot. Radical is called as a future root. This is going to make the shoot, पूरा shoot system. स्टेम स्टेम लीफ सारा कुछ इसके ऊपर बेयरअप होगा. एक सीड को ग्रो करते देखा कभी छोटी क्लासेस में आप लोगों ने? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पढ़ा नहीं हो? जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ा, तो उसमें सीड बनाते थे, फिर उसमें एक छोटा सा स्टेम सा निकलता था, फिर लीव्स आते थे, है ना? तो वो कहाँ से निकलेगा वो छोटा स्टेम? प्लूम्यूल से. ठीक है, ऐसे ही सीड के लोअर साइड में से एक रेडिकल, एक सिंगल रूट निकलता है ना? तो वो रूट, पहला रूट कहाँ से निकलेगा? Radicals. ठीक है, getting? Now these structures, that is the embryo structure, this is also having the connection with its, with the these what do you call it as cotyledons. ठीक है, ये cotyledons के साथ भी इसका structure associated है. ठीक है, तो दोनों तरफ इसने nourishment लेना है क्योंकि cotyledons से, तो ये एक cellular extension की तरह हम show कर रहे हैं. This is not the cellular structure we are making. It's only a hypothetical structure. ठीक है, हम लोग सिर्फ hypothetical structure कर रहे हैं. It's not a cellular structure. ठीक है, just a layout. Just we are making the generalized structure. Right? Now there are two cotyledons. The two cotyledons that which makes up the rounded cotyledons. These are the two cotyledons that which makes up the sides. Dicot seed का structure है बेटा आपको सिर्फ, मोनोकॉट सीड का नहीं है. ठीक है, आपने सिर्फ डायकॉट सीड का स्ट्रक्चर करना है. ठीक है, सो दिस इज मेकिंग अप द कॉटिलेडनस एक्सटर्नल ग्रोथ्स, दैट आर द कॉटिलेडन्स दैट विच आर गोइंग टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो डेवलपिंग एम्ब्रियो की जो नरिशमेंट है वो कौन करेंगे? ये कॉटिलेडन्स करेंगे. ठीक है, so these are the cotyledons that which are going to nourish the developing embryo. Okay, getting? This dotted structure that which we have made, you can label it as embryonal axis. This is the embryonal axis along which radical and plumule are arranged.
बिकॉज दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ एम्ब्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पूरा प्लांट बनना है. सो नेचर ने इनको एक सेलुलर प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है. द सेलुलर प्रोटेक्शन अबव द प्लिम्यूल, आप लोगों ने बनाना कैसे है, सिंपल, जहां आपने प्लिम्यूल रीजन शो किया उसी के ऊपर ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक प्रोटेक्शन कैप लाइक स्ट्रक्चर. तो ये क्या है, दैट इज कवरिंग द प्लिम्यूल रीजन, दैट इज कॉल्ड एज द कॉलियोपटाइल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कॉलियोपटाइल, COLEOPTILE, कॉलियोपटाइल. डन. सिमिलर इज अ स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द रेडिकल. अब रेडिकल के अगेंस्ट इसके पास भी तो एक प्रोटेक्शन कवरिंग होनी चाहिए, ऐसा ही आपने रेडिकल के अराउंड बना देना कैप लाइक स्ट्रक्चर. एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉलियोराइजा, दिस इज द कॉलियोराइजा, हाँ जी, COLEORRHIZA, गेटिंग द होल इनर स्ट्रक्चर. दिस वन दैट इज कॉल्ड एज दिस होल स्ट्रक्चर, यू कैन मार्केट with the bracket. So this whole structure is called as its embryo. The major two parts of a seed are embryo and cotyledons. So this is the cotyledon. So major two parts kaun kaun se hain isme? It's an embryo and a cotyledon. Okay. So embryo and a cotyledon are the major two parts. That is why I have kept them in the boxes. Okay. कौन सा बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये लाइन है, हाँ एम्ब्रियो ये पूरा का पूरा है, स्टार शेप बीच में जो बना, ये पूरा पार्ट ऑफ अ सीड है, ये क्या लेबल है, अच्छा वो वाला, नहीं 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 एक 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 मिनट, कौन सा बता रहे हो कि बच्चे, आप लोगों को कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. And this is the last of your topic. Okay. Plant reproduction is finished. Now we are to continue with the next. That is the reproduction in the animals and that in the human beings. Anji, any doubt in any of the topics? Done. Kya ji? Kaun si boundary? वो bracket just show कर रही है, वो star shape पूरा structure. नहीं नहीं, दोनों side क्यों बनाना? Just to label it as. कि ये सारा स्टार शेप स्ट्रक्चर, ये सारा एम्ब्रियो है, बस ये शो करना, ठीक है, इनर मोस्ट जो स्टार शेप स्ट्रक्चर हमने बनाया वो एम्ब्रियो है, बस उतना लेवल करना. हाँ जी बेटा, ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन? ऑल क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, नाउ